वो प्रोजेक्टर का लोकेशन, और प्रोजेक्ट हो रहा है इधर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वारा व्लॉग्स। तो मैं आज आया हूँ दुबई फेस्टिवल सिटी करके एक प्लेस है, नॉट अ प्लेस, दुबई मॉल है, मॉल जैसा ही है, मतलब दुबई मॉल से कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब उतना ही बड़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे ही, मेरा फ्रेंड आ रहा था तो मैं भी बोलता हूँ चलो मैं भी निकल लेता हूँ, और अचानक आ गया इधर फाइनली। और इधर भी दुबई मॉल की ऐसे ही फाउंटेन शो होता है, बहुत बड़ा, पर ये थोड़ा फाउंटेन शो अलग रहता है। वो कैसा म्यूज़िक पे फाउंटेन शो काम करता है, ये जो फाउंटेन शो है ना उसमें कैसा है कि उस पर क्या लेज़र लाइट छोड़ते हैं, तो उससे कैसा इफेक्ट गिरता है, मतलब असली एक इमेज क्रिएट होता है फाउंटेन पे। तो अभी जो मैं आया हूँ तो अभी तो बंद है क्योंकि आज ऑफ डे है, नहीं तो मैं ज़्यादा ही लेट आया हूँ। अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है 10:44, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। पर भाई मॉल का ये देखो, कितना आउटर एरिया देखो, कितना मतलब पूरा क्रिसमस का तैयारी करके रखा है लोग ने। ये मतलब दुबई मॉल से भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मॉल, दुबई मॉल से भी एक्चुअल मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं तो दुबई मॉल से थोड़ा छोटा है, और उतना ही बड़ा कर सकते, कंपैरिजन में उतना ही बड़ा है ऐसा देखने जाएंगे तो। ये बिल्डिंग देखो, फुल एजिस पे लाइटिंग लगाए, इतना एक्सपेंस करते हैं भाई दुबई वाले, और कुछ अलग ही मज़ा है। आई स्वेयर, मतलब दुबई में आना है ना तो कुछ अलग ही मज़ा है, मतलब एज अ जॉब करने आओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब खुद का अलग से एक लाइफ रहेगा। थोड़ा मैं उधर भी जाता हूँ, अभी जस्ट इंक्वायरी किया भाई होएगा फाउंटेन शो, होएगा लेज़र वाला। मैं जैसे ही इंक्वायरी किया तो उन्होंने बताया कि इधर का जो लेज़र लाइट है ना, ये वाला पूरा जितना भी लेज़र लाइट है ना, वो ये बिल्डिंग में ना रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो लेज़र लाइट सब पूरा है ना ये बिल्डिंग पे आता है। देखते कैसे आता है, मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना उस पर पूरा मतलब लेज़र लाइट है ना रिफ्लेक्ट होता है। ये देखो प्रोजेक्टर पूरा देखो, पूरे बिल्डिंग पे एक टीवी का शो बना डाला है।
पूरे बिल्डिंग को एज अ स्क्रीन क्रिएट कर दिया। कितना पावरफुल प्रोजेक्टर रहेगा सोचो। सो भाई कितना बड़ा प्रोजेक्टर था, मेरे को ऐसा लगता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्टर रहेगा। ये देखो वो प्रोजेक्टर का लोकेशन और प्रोजेक्ट हो रहा है इधर। शीट मैन मतलब भाई नेक्स्ट लेवल का टेक्नोलॉजी, मैंने ये लाइफ में कभी नहीं देखा था। मतलब एक पूरा प्रोजेक्टर कितना लॉन्ग डिस्टेंस का सीधा भाई पूरे बिल्डिंग को कवर कर रहा है। आप लोग ने मॉल का साइज देखो भाई, कुछ अलग ही मजा है मॉल में। ये मॉल में इतने आउटलेट्स है ना, इतने आउटलेट्स है ना, इतने ब्रांड्स है, मतलब आपने किधर देखे नहीं रहेगा इंडिया के मॉल में किधर। कम से कम 4000 से ज़्यादा तो ब्रांड्स है इधर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडियन के ऑलमोस्ट सब ब्रांड्स मिल जाएंगे इधर। और वर्ल्ड के सब बिगेस्ट ब्रांड तो इधर है ही ये मॉल में, उतना तो पक्का है। ये देखो मॉल का साइज। तो चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे क्या पार्किंग प्लेस पे आ गया, क्योंकि अभी जाने का टाइम हो गया। अभी बजा है रात के 11:30, मतलब इंडिया में कितना बजा रहेगा पता है क्या, सीधा 1 बजा रहेगा। रात को भी इंजॉयमेंट होता है भाई, मतलब मॉल अभी भी चालू है, 11:30 हो गया है, एकदम भरा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं लगेगा भाई खाली है मॉल। चलो कोई बात नहीं, अब प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।